हैं साथियों, और इस बिजनेस का समझने के लिए पहले आपको समझना है आन बान शान जो मार्केटिंग प्लान है, जो कि अभी किसी सर ने एक कदम उठाया, एक मकसद लिए हैं नया भारत की मिशन रो। पता है जितने भी साथी मॉर्निंग सेशन में आते हैं उनको पता होगा, क्योंकि अभी जो मिशन लेके काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो सिर्फ पैसा के लिए काम करेगा वो पीछे पड़ जाएगा। साथियों, तो मिशन लेके काम करना, अभी मिशन है नया भारत की निर्माण, ठीक है ना। तो मिशन कैसे बताना है इसके बारे में थोड़ा अभी चर्चा करेंगे, प्लान कैसे दिखाना, अभी जो नया मॉडल में जो प्लान स्टार्ट हुआ है उसी का ऊपर अभी मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ। साथियों देखिए, साथियों रोजमर्रा जिंदगी में जीने के लिए, हेलो, रोजमर्रा जिंदगी के लिए आपका घर में राशन आता है या नहीं। मैं तो एक चीज सवाल करता हूँ लोगों को, जब भी प्लान दिखाने के लिए जाता हूँ या प्रोग्राम देने के लिए जाता हूँ, लोग बोलते हैं कि मैं आज से नहीं करने वाला हूँ, कोई बोला मैं कर दिया उसके बाद छोड़ दिया। मेरा बात को आप लोग नोटिस करना साथियों। अच्छा, आरसीएम में ज्वाइन किया और छोड़ दिया, बहुत सारा साथी बोल रहे हैं कि नहीं पहले किया था अभी छोड़ दिया। हाँ, मैं खा रहा था अभी नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे खाना छोड़ना ज्वाइन करना इसमें क्या कुछ फर्क पड़ता है सर? अच्छा, मान लीजिए आरसीएम से पहले आप सामान खाते थे कि नहीं, बाहर से सामान लाते कि नहीं, हेलो, जिंदगी गुजरने के लिए तेल हल्दी मिर्ची सामान, जब रेशन का सामान बाहर से आता है कि नहीं घर में? आरसीएम में जब आप आए नहीं तो बाहर से आए कि नहीं? जब आरसीएम में आए तो आरसीएम से आते हैं, आता है ना। अच्छा, मान लीजिए आरसीएम आप एक साल या दो साल सामान खरीदा, उसके बाद छोड़ के आपने चला गया, लोग बोलते हैं छोड़ दिया। अच्छा, जब छोड़ के चला गया क्या वो सामान यूज नहीं करते हैं क्या? तेल हल्दी धनिया मिर्ची पेस्ट लगाना बंद कर देते हैं? हेलो, जीने के लिए चाहिए या नहीं चाहिए? ये जो पॉइंट है ना साथियों, गांठ बांध लीजिएगा, जो पॉइंट जो ऐसा आपको फील्ड में आदमी मिल जाते हैं, कहता है मैं तो आरसीएम किया था अभी छोड़ दिया, उनको बोलो भैया साहब आप क्या तेल हल्दी मिर्ची खाना बंद कर दिया क्या? अभी खाते तो है ना, लेकिन बाहर से आपको क्या मिलता है, यहाँ से क्या मिलता है थोड़ा उनको बता दो। जब आप सही बताएंगे तो क्या यस या नो बोलेगा? हाँ, तो चलो, ये अभी जो आन बान शान मार्केटिंग प्लान है मैं अभी आप लोगों के बीच में दिखाने वाला हूँ। तो साथियों देखिए, हम लोग जो ट्रेडिशनल से बाजार खरीद जो मार्केटिंग करते हैं, कितने साथी को पता है कि प्रोडक्ट इनडायरेक्ट आते हैं? क्या आपका घर में डायरेक्ट आते हैं? फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट बनता है, एक फैक्ट्री वाला है, ठीक है, ये फैक्ट्री वाला भाई, भाई साहब, अच्छा सामान जब बनते हैं फैक्ट्री में, सबको पता है फैक्ट्री में बनता है, कंपनी में बनता है, ये से नो, जो घर में सामान आता है बनाने के बाद, कि आपका घर में डायरेक्ट आते हैं सामान, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है, घर में सामान डायरेक्ट नहीं आता है, पहले फैक्ट्री में बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट को क्या किया जाता है ताकि आम से आम लोगों को पता चले ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और उस प्रोडक्ट को देख के मुझे मार्केट में खरीदने के लिए जाना है। तो क्या होता है, इस कंपनी ने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, ताकि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो, इसके लिए क्या करता है, बीच में माधुरी दीक्षित को लेके आते कि नहीं, हेलो, ऐश्वर्या राय को लेके आते कि नहीं, हाँ, क्या टीवी में आके क्या बोलते हैं, मेरे सुंदरता का राज मेरे डाव, हेलो, टीवी में क्या बोलते हैं, मेरी सुंदरता का राज मेरी डब। अच्छा, क्या पहले जैसा आपका वो जो फेस था उससे क्या चेंज हो जाते हैं? टीवी में एक एड आते हैं 5 सेकंड की सिर्फ, हेलो हेलो, टीवी में एड आते हैं लास्ट का, पता है मेरी गरीबन की मखनी मेरी लख, बताने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड में नहीं लगा, कितना रुपया लेता है पता है, जो सुपर स्टार होता है, हेलो, 20 करोड़ 25 करोड़। अच्छा, सुंदर हुआ है क्या, लाख लाख सामान लगा के? अच्छा, जितना भी काला आदमी है उनका पास क्या 10 रुपया नहीं है लाख सामान खरीदने के लिए? हेलो, मालिक का पास क्या 10 रुपया नहीं था? उसको लगता है कि मैं काला हो जाऊँ और ज्यादा, कौन नहीं चाहता चिकनी चमनी होना, हेलो, सुंदर कौन होना नहीं चाहते है सर, सब कोई होना चाहते, बट क्यों नहीं होते है, झूठ बोलते है टीवी में, ऐसी
हाँ कटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित झूठ बोलते हैं, नहीं तो उनका हस्बैंड काक नहीं होता और टीवी में आते सीसा तेल बेचते हैं, केस्किन तेल बेचते हैं। हेलो, खुद का हस्बैंड का सिर में बाल नहीं है, यानी कि जो लोग टीवी में बेचता है, जो दिखाता है, कभी घर में यूज नहीं होता है, उन लोगों का घर में यूज होने के लिए बाहर से स्पेशली फोटा काटा है। साथियों पता है कितना साथी को, लेकिन आम इंसान को उल्लू बनाते हैं, लोगों को पता नहीं है। टीवी में जो देखते हैं वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं दुकान में, रामलाल दुकान में जाते हैं, पैसा मुझे वो साबुन दे दो। हेलो, पता है ना, ऐड किया। उसके बाद इस ये जो भाई साहब है सीएनएफ एजेंट है, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट लगा के एकदम लगा दिया एरिया में, स्टॉक कर दिया सामान, बचा स्टॉक लगा के। इन्होंने भी क्या किया, इससे सामान यहाँ पे भेज दिया, कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर से कहाँ जाते हैं, होलसेलर, ये भी इन्वेस्ट किया। अरे सबको यहाँ पे जो है फायदा के लिए है कि नहीं, हेलो, सबको फायदा चाहिए, इसीलिए एक होलसेलर भी देखना कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, अपना गली मोहल्ला में, अपना सिटी में आप लोग देखें कभी होलसेलर जो दुकान था छोटा सा था, धीरे धीरे बड़ा बना, दो तला तीन तला बना, और भी दुकान बड़ा हुआ, स्टाफ एक था, दो स्टाफ हुआ कि नहीं, रोज रोज बड़ा होते जा रहा है। मैं कभी देखा नहीं, मेरा जो उम्र है ना, अभी इस उम्र में मैं कभी देखा नहीं होलसेलर वाला छोटा होगा कभी, ये सुनो, मतलब बढ़ते जा रहा है, किसका भला फायदे से। देखो ये होलसेलर है, ये बच्चा का रिटेलर है, ये नेटवर्क बनाते हैं, ग्राहकों का नेटवर्क बनाते कि नहीं, ये नेटवर्कर, ये नेटवर्कर है, इन्होंने कस्टमर बनाते हैं। और इससे कौन खरीदता है, ये दे दुखी राम जो कस्टमर होते हैं, इतना मेहनत करते हैं सारा महीना, सिर के पसीना पैर में गिरता है। साथियों इन्होंने क्या किया, एक साबुन को खरीदेंगे ना, देखिए मान लीजिए एक साबुन खरीदना है, ये भाई साहब कहाँ जाते हैं, इनके पास जाते हैं कि नहीं, हेलो कंपनी पास जाते हैं, थोड़े नहीं जाते हैं ना, इनके पास जाते हैं तो ये यही भाई साहब इस साबुन को कितना में लेते हैं, 10 रुपया। हेलो, क्लियर हो रहा है, यानी कि ये साबुन कितने में खरीदा ग्राहक ने, 10 रुपया। अच्छा यहाँ पे कंपनी कितने में बनाया इसको, हेलो 5 में 5 रुपया एडवर्टाइज हुआ, फ्री में आ गया, 1 रुपया लिया कि नहीं। यहाँ पे भाई साहब सेने बेचे ने 1 रुपया लिया कि नहीं, यहाँ पे आ गया ये भाई भी 1 रुपया लिया कि नहीं, ये सामान होलसेलर में आ गया, रिटेलर में आ गया, तो क्या लाभ नहीं लेगा, बिना फायदे में कोई बिजनेसमैन यहाँ आते आते 10 बन गया। आप सोच के देखिए, आपका घर में पूरा महीना में अगर अपने आप को सवाल करना चाहिए, आपका घर में पूरा महीना का 2000 का अगर सामान आते हैं तो 1000 रुपया किसके घर में चला गया, हेलो मिडिल मैन का घर में गए कि नहीं। तो यहाँ पे अगस्त 2007 में जो हम लोग का प्राइड ऑफ मेसन माननीय टीसी सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, अगस्त 2007 में एक ड्रीम बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है RCM, हेलो जिसका मकसद है नया भारत के निर्माण। इन्होंने देखा यहाँ पे बहुत सारा आदमी क्या होता है, अरबपति खरबपति बन जाते हैं, और यहाँ पे 80% लोग गरीब बन जाते हैं, 20% लोग अमीर बन जाते हैं। तो यहाँ पे टीसी सर क्या किया, कस्टमर को साथ कंपनी को क्या किया, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए टीसी सर जो यहाँ पे मिशन बनाया, यहाँ पे देख रहा है कंपनी तो बना रहा है, बनाना पड़ेगा, कंपनी के पास कोई जिंदा नहीं रह सकते हैं। जो भी कपड़ा पहने कंपनी बनाया, ये जो पेन है ये भी कंपनी बनाया, तो कंपनी को चाहिए, और जो यूज करते हैं यानी कि प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको चाहिए, है कि नहीं। तो दोनों को सीधा जोड़ दिया तो पैसा बचत होगा कि नहीं, इसमें घोटाला का कोई चांस नहीं है, डुप्लीकेट का कोई चांस नहीं होता है। मार्केट में क्या होता है, ज़्यादा फायदा के लिए डुप्लीकेट भी होता है। देखना जब गाय दूध देते हैं, हेलो जब गाय दूध देते हैं और कस्टमर उसको डायरेक्ट खरीदते हैं तो ओरिजिनल होता है कि नहीं, और बीच में जो इतना सारा हेलो ग्वाला होता है तो डुप्लीकेट होने का चांस रहता है कि नहीं। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखना सबको पता है जो ग्वाला से दूध खरीदते हैं तो पानी मिलावट होता है, और जो डायरेक्ट खरीदते हैं तो उसको ओरिजिनल मिलता है। तो RCM ने क्या किया,
इसलिए हर प्रोडक्ट 100% क्वालिटी देता है, हर्बल देता है, स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट देता है, डायरेक्ट कर दिया। हेलो, ताली होना चाहिए कि नहीं? तो अभी जब पीसी सर का मिशन है, हेलो, किस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं? नया भारत की निर्माण, स्वस्थ रक्षा, हेलो, स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण, सबको पता है। देखिए साथियों, हर जो इंफॉर्मेशन है किसी सर का रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस मिशन में है। हाँ, मान लीजिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के बारे में पता नहीं है तो कौन सा क्रिकेटर है, एक डॉक्टर है, हाँ, कौन सा दवाई किस काम का है अगर पता नहीं है तो कौन सा डॉक्टर है। हेलो, हाँ, दुकान है, दुकानदार का प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है, कौन सा मांग रहा है, कौन सा है या नहीं है, कौन सा दुकानदार। उसी प्रकार से हम लोग भी RCM की क्या है, एसोसिएट बाहर है कि नहीं। इस RCM की हम लोग अभियान में क्या किया अभी, हेलो, शामिल हुआ कि नहीं, तो हम लोग को भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए साथियों, अभी इंडिया में ज्यादातर देखिए स्वास्थ्य रक्षा जो एक नंबर मिशन में आता है, स्वास्थ्य रक्षा। अभी ऐसा कोई फैमिली है जिसका घर में बीमारी नहीं है, बता सकते हैं? एक भी ऐसा फैमिली नहीं जिसका घर में बीमारी नहीं है। साथियों, हम लोगों को मिशन उठाना है, हर घर घर में जाके इस स्वास्थ्य के बारे में बताना है। भाई साहब, आप जो प्रोडक्ट घर में यूज करते हो, भेजा ले डुप्लीकेट है, इसलिए आपके घर में दवाई कंटिन्यू आते जा रहा है। ज्यादा दवाई लेने से क्या होता है, हेल्थ खराब होता है, उसका दूसरा बीमारी पकड़ लेते हैं, तो जिंदगी बर्बाद होते हैं। साथियों, आपको जाके क्या करना है, हर आदमी को जानकारी देना है। दूसरा है, अभी देखो स्वावलंबन मतलब क्या होता है। हेलो, इंडिया में देखो अभी एडुकेशन का हर कितना बढ़ चुके हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है, एडुकेशन बढ़ रहा है, नौकरियां क्या बढ़ रहा है ना घट रहा है? हेलो, नौकरियां घट रहा है सर। हाँ, एक सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी खत्म कर दिया कैमरा ने। हेलो, एक ऑफिस में जो जहां 10 आदमी लग रहा था, अभी 2 आदमी में हो जाते, क्योंकि कंप्यूटर काम करते हैं वहां पे। साथियों, हर चीज का चेंजेस बदलाव आ रहा है, यानी कि लोक संख्या तो बढ़ रहा है, नौकरियां घट रहा है, क्योंकि अभी यह टेक्नोलॉजी चल रहा है, सबको पता है। तो अभी समय के साथ बदलाव होना जरूरी है कि नहीं? टीवी में एक न्यूज आया था, ठीक है ना, तो लोग इसका विरोध कर रहा है, AI टेक्नोलॉजी आ गया तो नौकरी तो आ जाएगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना सारा एजुकेटेड पर्सन लड़का लड़की है, डिग्री लेके घर में बैठा है, तो हम लोगों का क्या हाल होगा आने वाला कल? तो बताया, देखो समय के साथ जो अपने आप को बदल देगा। अभी बहुत सारे लोगों को पैसे पहले से था ना, जो कि एंड्रॉइड मोबाइल चलाना नहीं आता था, तो जो उसको कंटिन्यू यूज किया अभी चलाना